उनको अपने दायरा है उनका, उसमें रहना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक ले। उसके बाद हर कार्यकर्ता के मन में खुशी है कि वो स्वस्थ होकर भारत लौट रहे हैं, और सब लोगों का बेसब्री से इंतज़ार था उनके लिए। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि और लंबी आयु हो और उनकी छत्रछाया में समाजवाद और पार्टी के मूल्य सुरक्षित रहें, जनता का भी मनोबल बढ़ा रहे हैं। बिहार कब तक आना होगा लालू प्रसाद यादव को, क्या वो उनके स्वास्थ्य मतलब एडवाइजर जो होंगे वो जिस तरह का एडवाइस करेंगे उसके हिसाब से। आगे चुनाव भी है लोकसभा का, विधानसभा का, क्या लालू यादव का वही तेवर दिखेगा जो पहले था? अब ये क्या सवाल है, लालू जी दिल से जो हैं वो सब दिन है, है ना, सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता उनके हर लफ्ज में आप देख सकते हैं, तो हमेशा है रहा। वैल्यू सिस्टम बदलने वाले आदमी नहीं। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि 90 और 91 वाला दशक नहीं चलेगा, घोटाले वाला, स्वस्थ रहें कामना हम भी करते हैं, मगर वो पहले वाला तेवर ना दिखाए। मैंने वो रेगुलेटरी बॉडी है क्या आरजेडी के, उनको अपने दायरा है उनका, उसमें रहना चाहिए। आरजेडी क्या करेगा, आरजेडी सांप्रदायिक शक्तियों के का इस्तेमाल करके राजनीति नहीं करता है, अपने गिरेबान में झांक ले उसके बाद बात करें। अब देखिए ये इस पर क्या टिप्पणी करना है, लोग टिप्पणी करते करते थक गए लेकिन उनका वो कारनामा नहीं रुका, तो अब जितना था वो कर चुके हैं। अब हम लोग को कोर्ट पर भरोसा है और हमें उम्मीद है कि जो न्यायालय है वो न्याय, वहाँ से न्याय मिलेगा। सर मंत्री जी एक सवाल है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लालू यादव बिहार आएंगे तो जो डील हुआ था, अगर वो डील पे काम नहीं हुआ तो सरकार में बड़ा उलट फेर देखने के लिए मिलेगा। मतलब वो दूसरे के घर में क्यों झांक रहे हैं, अपना घर ठीक करें ना। उस समय तक जो होगा आप देख लेंगे कि बिहार में क्या होगा, वो अपना घर संभालें, दूसरे